उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ऐतिहासिक रामलीला मेले में आयोजित कवि सम्मेलन के अवसर पर पूरनपुर में दर्जन भर विशिष्ट हस्तियों को पूरनपुर गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया। पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आशुतोष दीक्षित, SDM आशुतोष गुप्ता और तहसीलदार ध्रुव नारायण यादव ने यह सम्मान प्रदान किए। इसमें वरिष्ठ साहित्यकारों के रूप में अंशुमाली दीक्षित, पंडित राम अवतार शर्मा, ओम प्रकाश पांडे मंजुल, आलोक मिश्र और डॉक्टर UR मीत को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में सतीश मिश्र अचूक को पूरनपुर गौरव सम्मान दिया गया। समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, या फिर तीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में। तुम घन बन कर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम घन बन कर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अगले बंद में मैंने भारतीय नारी के स्वभाव को दो पंक्तियों में व्यक्त किया है, आशीर्वाद आपका चाहूंगा इन पंक्तियों पर। यह जो हरी धूप है धरती से चिपके रहने की आदि, यह जो हरी धूप है धरती से चिपके रहने की आदि, मिली निसके सपनों को भी नभ में उड़ने की आजादी। इसकी नींद उड़ा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, इसकी नींद उड़ा जाओगे। इसी के साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उन्नत खेती के क्षेत्र में और रामलीला मेले के लिए भूमि दान करने वाले विवेक खंडेलवाल और हज्जन रेशमा खातून को पूरनपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अशोक खंडेलवाल, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, हर्ष गुप्ता, रवि गुप्ता, मनोज गुप्ता, सुंदरलाल, दुष्यंत शुक्ला, अचलेंद्र मिश्र, विश्वनाथ कुशवाहा, रामचंदी वर्मा, सुभाष मिश्रा सहित हजारों लोग मौजूद रहे। हमारे सहयोगी रामगोपाल कुशवाहा के मुताबिक यहाँ पीलीभीत के वरिष्ठ कवि संजीव मिश्रा शशि की पुस्तक द्वारे द्वारे दीप दरुंगा का विमोचन भी इस अवसर पर किया गया। अंत में मंच की ओर से राजस्व निरीक्षक के शुक्ला, लेखपाल विकास मौर्य और अनिल गौतम भी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम भलीभांति संपन्न हुआ।